हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, क्लास नंबर 72। रोशनी सैड कोमा हाउ टिमिड यू आर। जिस तरह से इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये एक्सक्लेमेटरी हुआ, इसलिए ये आंसर गलत है आपका सैड वाला। ये आंसर हो सकता है और यही आंसर है। तीसरे वाले में यू को चेंज नहीं कर रहा है, जबकि आई करना ज़्यादा बेहतर है यू का, क्योंकि जब लिसनर नहीं होता तो ये हम मी मानते हैं। तो तीसरा गलत यू की वजह से, पहला गलत सेड की वजह से, चौथा गलत क्योंकि इन्होंने यहाँ हाउ को वेरी में चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुड्डू सैड आई लव यू वेरी मच निकिता। तो गुड्डू ऐसे ही आ जाएगा। अब आप ये सेंटेंस असर्टिव देख रहे हैं, लेकिन एक काम की चीज़ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि ये जो निकिता है ना अंदर, ये वोकेटिव केस में रखी हुई है, मतलब निकिता से बोली जा रही है ये वाली बात। कोमा लगाकर किसी का नाम लिखा हो तो वो लिसनर ही होता जो अंदर रख दिया जाता, और इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसे बाहर लेना पड़ता। तो गुड्डू टॉल्ड और निकिता बाहर आ जाएगी, ये बनेगा सेंटेंस। तो गुड्डू टॉल्ड निकिता दैट, आई जाएगा गुड्डू के पास में तो ही आएगा, लव का हो जाएगा लव्ड, यू जाएगा निकिता के हिसाब से हर पे, और वेरी मच का वेरी मच, ये इसका आंसर होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको जॉब दिलवा सकती है। सिलेबस पूरा करके कभी जॉब नहीं लग पाती। बच्चे एक बार दो बार तीन बार फेल होते हैं, फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तब जॉब लगती है। वो काम आप शुरू से ही कर लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वन शुड यूज गॉगल टू प्रोटेक्ट वंस, बहुत बढ़िया है, लेकिन गॉगल्स में ऐसा आएगा क्योंकि आंखें सूरज की रोशनी या सूरज से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चश्मा पहनना चाहिए धूप का, तो एस लगेगा। चश्मा डबल फलक वाला होता है, इसमें एस जरूर लगता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हंड्रेड्स ऑफ मैन, ये भी बढ़िया लगा हुआ ई वाला, एंड थाउजेंड्स एस लगेगा। तो कई सौ पुरुष और कई हजारों महिलाएं प्रेजेंट थी फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर फाइव, शीयर हैज बीन परचेज्ड फॉर माय गार्डन। तो जो शीयर है बच्चों, वो होती है जिससे पेड़ों या घास वगैरह को ट्रिम किया जाता, कैंची होती बड़ी सी, उसी को बोलते हैं शीयर्स। और कैंची हो, चिमटा हो, स्पेक्टेकल्स हो, ट्राउजर्स हो, पायजामाज हो, ये प्लूरल होते हैं, आपको करना पड़ेगा, शीयर्स हैव बीन। क्वेश्चन नंबर छः, आई गेव ए फ्यू क्वाइंस आई हैड, जो मेरी जेब में थे मैंने वो सारे सिक्के दे दिए, तो ए नहीं आएगा, द फ्यू। टॉपिक में आपको बताता चलूँ, ये नरेशन था, ये नरेशन था, ये नाउन का चैप्टर था, ये नाउन का चैप्टर था, ये नाउन का चैप्टर था, ये डिग्री है, तो डिग्री में फ्यू लिटिल पढ़ाए होंगे, आपको चेक कर लेना, द फ्यू आएगा। मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट, ये भी डिग्री है, क्योंकि जो यूनिक है उसके साथ मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, तो गलती हमारी मोस्ट में है। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब तो वैसे ज़रूरी भाग, एसेंशियल पार्ट भी होता, एक इसका मीनिंग और लिख लीजिए आप, बेसिक नॉलेज, बेसिक्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की आधारभूत बातें, बिल्कुल बुनियादी बातें, इसका मतलब ये भी होता। आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर, आउट ऑफ द डेंजर, आउट ऑफ गियर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही तरीके से काम ना कर पाना, ऑफ हैंड, विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, बिना पूर्व तैयारी के, आउट एंड आउट, कंप्लीटली, पूरी तरह, वंस अकिल्स हील, किसी के कमजोर पहलू, वीक पॉइंट, ऑन इट्स लास्ट लेग, खत्म होने की कगार पर, अबाउट टू एंड, अबाउट टू रियून, रेड रैग टू ए बुल, समथिंग दैट प्रोवोक्स, समथिंग दैट मेक्स यू एंग्री, जो क्रोध दिलाए, गुस्सा दिलाए, भड़काए, रोल अप वंस स्लीव्स, रोल अप वंस स्लीव्स,
प्रिपेयर टू वर्क, लड़ना नहीं, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि नहीं, मतलब इस तरीके से रोल अप, ठीक है ना। तो जब रोल अप मीनिंग आएगा तो काम के लिए तैयार होना कि चलो आप काम करते हैं यार, थोड़ा सा काम रहेगा, इस टाइप से। तो रोल अप वंस स्लीव्स मीन्स प्रिपेयर टू वर्क, काम करने की तैयारी करना। रेड टेप इज ऑफिशियल डिले, आधिकारिक रूप से काम में देरी होना। स्पार्टन लाइफ, लाइफ ऑफ एसेटिक, साधु जीवन, सादगी भरा जीवन, या कहीं कहीं इसमें ये भी कह सकते हैं कि एकांत में बिताया गया समय, एकांत में बिताया गया जीवन। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, टारगेट क्या चल रहा है हमारा, 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर का एग्जाम। एग्जाम्पल नंबर पहला है, द किंग, ऐसे ही सवाल मैं पहले भी दे चुका हूं आपको, और हैड हिज मिनिस्टर, द किंग हैड हिज मिनिस्टर, और ब्लैंक द थीफ, और फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। पहला है बच्चों अरेस्ट, फिर है अरेस्टेड, फिर है टू अरेस्ट, फिर है अरेस्ट्स। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन पहला विष्णुगुप्त, ऑप्शन दूसरा उपगुप्त, ऑप्शन तीसरा ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन चौथा बृहद्रथ। देख लीजिए क्या आंसर होगा, बाकी बातें आपसे कर लूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।